नमस्कार, मैं हूं काजल रसोगी और आप देख रहे हैं WNN 360 सड़क से संसद तक। क्या पढ़ाना एक मजबूरी है? जी नहीं, शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा जब जीवन के दांव पर प्राप्त हो तो मन तो घबराएगा ही। सोचिए अगर अपने नौनिहाल को आप एक ऐसे शिक्षण संस्थान में भेज रहे जहाँ की बिल्डिंग अब गिरी कि तब गिरी, तो क्या आप भेजना पसंद करेंगे? यही सवाल हमें खींच कर ले गया जमीनी हकीकत देखने के लिए उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं की बिलसी के मोहल्ला नंबर 6 के प्राथमिक विद्यालय में। 124 बच्चों वाले इस स्कूल की हालत इस मूसलाधार बारिश के मौसम में आपकी रूह कपा देगी। कब बड़ा हादसा हो जाए पता नहीं, लेकिन शिक्षा विभाग और BSA महोदय को इससे फर्क क्या पड़ता, क्योंकि इन सभी के बच्चे तो किसी न किसी बड़े और महंगे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे होंगे। बहरहाल आज उप जिलाधिकारी बिलसी प्रवर्धन शर्मा ने निरीक्षण के बाद जर्जर भवन की हालत पर चिंता जताई। हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ ना हो और नए भवन का निर्माण अति शीघ्र हो, यही भविष्य के लिए बेहतर है। जी तो प्राइम स्कूल मोहल्ला नंबर 6 ऊपर छत नहीं, इसमें पानी आ जाता है बारिश का, हमें नीचे चटाई बिछाकर पानी में बैठना पड़ता है। मोहल्ला नंबर 6 में 3 में आता है बारिश का पानी, भर जाता है, उसी में बैठ जाते हैं। स्कूल मोहल्ला नंबर 6 2 में हम इस स्कूल में आते हैं, इसमें छत भी नहीं है, हम स्कूल में बैठ नहीं आते, इसमें चटाई पे बैठते हैं, हम भर जाता है, हमें बैठने की जगह नहीं है। आज ये विद्यालय प्राथमिक विद्यालय मोहल्ला नंबर 6 नगर क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। इसका जो भवन है वो बिल्कुल जर्जर है और इसको इसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जीवन को ध्यान में रखते हुए और भविष्य में कभी भी कोई हादसा हो सकता, हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर दें तब तक कहीं, क्योंकि ये बिल्डिंग बिल्कुल गिरासू है और इसमें कभी भी कोई हादसा हो सकता। शिक्षा विभाग इसके द्वारा करेगा और शिक्षा विभाग को मेरे द्वारा जल्दी पत्र आज ही भेजा जाएगा और इसको जल्दी से जल्दी बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके जीवन को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग को शिफ्ट कराने की कार्रवाई की। मैं वीरपाल सिंह, इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय मोहल्ला नंबर 6, यहाँ पर एक शिक्षा मित्र और एक मैं, और मैं भी दूसरे स्कूल में शिफ्ट हूँ और कभी कभी मुझे यहाँ भी बैठने का मौका लगता है, मुझे अपना कार्य करने के लिए बैठना पड़ता है, लेकिन इस विद्यालय की स्थिति इतनी जर्जर है, यहाँ पर कोई भी सुविधाएँ जो शासन से मिल रही है नहीं है, ना ही पीने के पानी की व्यवस्था है, ना ही लेटरिन बाथरूम, कोई भी साधन नहीं है, भोजन भी खुले स्थान पर बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे बनवाया जाता है, मिड डे मील चला रहे हैं, और इस बिल्डिंग को बनवाने के लिए कायाकल्प के अंतर्गत नगरपालिका को भी कई बार चेयरमैन साहब से भी मिले और इसके बारे में कहा गया कि आप कुछ ना कुछ इसमें करें, एक कमरा ही हमें बनवा दें जिससे हमारा विद्यालय चलता रहे, बच्चे सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें, और विभाग ये सूचना विभाग के लिए लगातार हम सूचना देते रहे हैं कि ये बिल्डिंग जर्जर है, जब जब इसके बारे में रिपोर्ट मांगी जाती है तो उसको जर्जर दिखाया जाता है और इसके फोटो भी भेजे जाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी कार्य इस भवन में नहीं हुआ। एक बरामदा थोड़ा सा सही है, उसी में हम 5 क्लास बिठा करके बड़ी मुश्किल से शिक्षण कार्य करते हैं और विभाग की योजनाओं को भी लगातार हम लागू कर रहे हैं, और बाकी विभाग के ऊपर हमारी हर समय कोशिश रहती है, और हमारे रसोईया इतनी परेशान है कि पानी के लिए उधर नलों पर भागना पड़ता है और बड़ी जनता की फटकारा सुननी पड़ती है, वो पानी सर से भर के लाती हैं तब कहीं जा करके हमारा मिड डे मील चल पाता है। तो